बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं और अभी आपको अपडेट करें, आवाज से 18 गुना तेज रफ्तार का हामिल शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल। पाक फौज का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कोहे सुलेमान राखी मुंह से कामयाब तजुर्बा। शाहीन 3 ने बहीरा अरब में अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। वजीर आजम की पूरी कौम को कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से, आवाज से 18 गुना तेज रफ्तार का हामिल शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल। पाक फौज का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कोहे सुलेमान राखी मुंह से कामयाब तजुर्बा। शाहीन 3 ने बहीरा अरब में अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जबकि वजीर आजम की पूरी कौम को कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। जनूबी पंजाब भर में आलमी वबा का कहर बादस्तूर जारी है। सरगोधा में कोरोना से मुतासरा 3 मरीज जहां बाहक हो गए। डीजी खान और मियावाली में एक एक मरीज जहां बाहक हुआ। मुल्तान में 23 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब भर में आलमी वबा का कहर बदस्तूर जारी है। सरगोधा में कोरोना से मुतासरा 3 मरीज जहां बाहक हो गए। डीजी खान और मियावाली में एक एक मरीज जहां बाहक। मुल्तान में 23 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। बहावलपुर में 21 और सरगोधा में 20 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। रहीम यार खान में 6, डीजी खान में 5, मियावाली और मुजफ्फरगढ़ में 3-3 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। उधर मुल्तान की जिला कचहरी में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। एक और जज में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। सिविल जज आमिर मंजूर का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर अदालत को सील कर दिया गया। फाजिल जज को करंटीना रहने की हिदायत की गई है। और अभी आपको बताएं, मुफ्ती अब्दुल कवी की रंगीन मिजाजी ने उन्हें मुश्किल में फंसा दिया। मारूफ टिकटॉक स्टार हरीम शाह का कहना है कि मेरा मकसद ऐसे लोगों को बेनकाब करना है, किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुफ्ती अब्दुल कवी ने जिनसी तौर पर हरासा किया तो थप्पड़ मारा, शोहरत के लिए ऐसा नहीं किया। हरीम शाह को सोशल मीडिया पर सारिफिन ने आड़े हाथों लिया तो टिकटॉक स्टार भी जवाब देने मैदान में आ गईं। कराची के इलाके गुलशन जमाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरीम शाह का कहना था कि शोहरत का शौक नहीं, सबको मुफ्ती कवि का मकरू चेहरा दिखाना चाहती थी, जिनके कॉल ऑफ एल में तजाद है। मुझे जो हरेस किया गया, मैंने पूरी पब्लिक के सामने उसकी गुफ्तगू को इसलिए रखा के ताकि जो हमारी इनोसेंट आवाम है वो इसके जाल में न फंसे। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी पाकिस्तानी आवाम के साथ खेल के उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसे लोगों को मैं जरूर सबक सिखाऊंगी और ऐसे लोगों को मैं दुनिया के सामने जरूर लेके आऊंगी। हरीम शाह ने मजीद कहा कि मुस्तकबिल में भी बहुत से लोग निशाने पर हैं जिनको जल्द बेनकाब करूंगी। मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ और शराब पीने का एतराफ करने वाली वीडियोस वायरल। मुफ्ती अब्दुल कवी के मकतबे फिक्र के उलमाए कराम और मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने मुफ्ती अब्दुल कवी का सोशल बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अब्दुल कवी को थप्पड़ और शराब पीने का एतराफ करना महंगा पड़ गया। मुफ्ती अब्दुल कवी के मकतबे फिक्र के उलमाए कराम और मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने मुफ्ती अब्दुल कवी का सोशल बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। मजहबी रहनुमा अयूब मुगल का कहना है कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने इस्लाम का मजाक बनाया। मुफ्ती अब्दुल कवी को इज्जत की कोई परवाह नहीं, इनका हर सतह पर बायकॉट करेंगे। मुफ्ती अब्दुल कवी नामी आदमी मजाक बना हुआ है। कंदील बलोच का केस था, उसमें इस पर उसके कत्ल की FIR भी हुई और इसमें ये जेल में भी रहा, और फिर अब ये जो हरीम शाह का के साथ वीडियो वायरल हुई है और इसके अलावा और भी बहुत सी मॉडल्स के साथ ये वीडियो वायरल हुई है, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जमाते अहले सुन्नत के रहनुमा मुफ्ती खादिम हुसैन का कहना था कि मुफ्ती अब्दुल कवी की हर सतह पर मजम्मत करते हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी आलिम नहीं रहे, शराब को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। मुफ्ती अब्दुल कवी ने बड़ा गुनाह किया है। शराब पीना कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया और रिज्सुम मिन अमल शैतान कहा और शराब नापाक है। रहनुमा जमाते इस्लामी मशाइख विंग इसरार हुसैन का कहना था कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने शैतानी अमल किया है, मुफ्ती अब्दुल कवी के पीछे नमाज ना अदा की जाए। ऐसे अफराद का हमें जो है बायकॉट करना चाहिए और जहाँ पर वो नमाज पढ़ाते हैं या उनकी मस्जिद है या मदरसे, अवाम को भी चाहिए उनके पीछे ना नमाज पढ़ी जाए। इनका मजीद कहना था कि मुफ्ती अब्दुल कवी को शर्म आनी चाहिए, मुफ्ती अब्दुल कवी का अवामी सतह पर भी बायकॉट होना चाहिए। कैमरामैन ईडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। अभी आपको बताएं, नए साल का आगाज महंगाई से हुआ। पेट्रोल और LPG की कीमतें बढ़ी।
शहरों के मसाइल भी बढ़ गए। लकड़ी और कोयला 100% महंगा हो गया। सरदार अली खान की रिपोर्ट देखिए। नए साल के आगाज पर पेट्रोल और एलपीजी की कीमतें बढ़ाने से लकड़ी और कोयला 100% महंगा हो गया। दूसरी तरफ सुई गैस की बंदिश ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। मार्केट में लकड़ी की कीमत 800 रुपए फी मन जबकि कोयला 80 से 100 रुपए फी किलो हो गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत गरीब आवाम से निवाला भी छीनना चाहती है। सर्दी आती है ना, गैस की कमी शुरू हो जाती है, इसलिए मजबूरन हमें लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है, और चाहे महंगी हो जितनी भी हो लेकिन जरूर बढ़ती है। हमें शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सुई गैस की बिला तादुल फरामी के साथ साथ लकड़ी और कोयलों की कीमतों में भी कमी कराई जाए। कैमरामैन मुईज शहजाद के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। आने वाली नस्लों को सेहत अफजा माहौल फराहम करने का अजम, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जेर सदारत माहौलियाती आलूदगी का जायजा इजलास। मुतलका अफसरान ने डीसी को ब्रीफिंग दी। भट्टी जात की जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली बारे भी आगाही दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टी की जेर सदारत माहौलियाती आलूदगी के हवाले से इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान, महकमा माहौलियात मादनियात के अफसरान और माहिर अराजियात ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर का कहना था कि इंतजामिया की ख्वाहिश है कि मुल्तान को एयर इंडेक्स के रेड जोन से निकाला जाए। ईंटों के भट्टों की जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली भी इस जानिब एक अहम कदम है। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा मादनियात की तरफ से दिए जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट को फैसले के लिए डीजी माहौलियात को इरसाल करने की हिदायत कर दी। इस मौके पर बताया गया कि जिला में 64% भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान के तलबा का एहतजाज रंग ले आया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुतालिबा तस्लीम करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतजाजी धरना भी खत्म कर दिया गया। इसी हवाले से आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पेपरों के लिए यूनिवर्सिटी गेट पर एहतजाज किया और ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी की। एहतजाजी धरने के बायस अबू जैबी रोड पर ट्रैफिक जाम हो गई। तलबा का कहना था कि जब उनकी स्टडी ऑनलाइन हुई तो पेपर्स भी ऑनलाइन होने चाहिए। जो वीसी साहब से मीटिंग करके आएंगे और इंशाल्लाह वो बात करके आएंगे कि आया कि जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे या फिजिकली कंडक्ट होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, और उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह ऑनलाइन जैसे हमारी क्लासेज हुई है वैसे एग्जाम होंगे। डीएसपी सिटी सर्कल जावेद जतवई पुलिस की भारी नफरी लेकर यूनिवर्सिटी गेट पर पहुँच गए। यूनिवर्सिटी डीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असगर हाशमी ने स्टूडेंट से मुजाकरात की और ऑनलाइन पेपर्स यूनिवर्सिटी के अंदर ही लेने की हामी भरी, मगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन घर बैठे पेपरों के मुतालबात के हक में डटे रहे। हमें भी अक्सर लेक्चर नहीं मिले और ये पेपर जब फिजिकल जब जैसे मांग रहे हैं ना, तो फिजिकल में ये तो वो पूछेंगे जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत ने भी मुजाकरात किए। 9 घंटे तक एहतजाजी धरना जारी रहा। बिलाखिर ऑनलाइन घर बैठे पेपरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिस पर स्टूडेंट्स की खुशी दीदनी थी। यूनिवर्सिटी डीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असगर हाशमी का कहना था कि स्टूडेंट्स की ख्वाहिश पर ही अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया घर बैठे ऑनलाइन या फिर फिजिकल पेपर मुनक्किद कराएगी। हाई लेवल कमेटी जो है वो वाइस चांसलर साहब की सरब्राहिम में बुलाई गई और जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार भी हैं। उन्होंने बहुत हेल्प की और उसमें सैर हासिल गुफ्तगू हुई और उनके तमाम इवन के स्टूडेंट की कमेटी भी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें शामिल थे, तो उनसे उनके मुतालबात पूछे गए। उसके बाद मुतालबात के मुताबिक उनको सेटिस्फाई किया गया। मुतालबा तस्लीम होने पर स्टूडेंट्स ने एहतजाजी धरना खत्म कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का अपनी ख्वाहिश के मुताबिक घर बैठे ऑनलाइन पेपरों का मुतालबा तस्लीम होने के बाद स्टूडेंट ने फिर से अपने घर बैठे ऑनलाइन पेपरों की तैयारी शुरू कर दी है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही रहीम यार खान। वासा मुल्तान की नाअहली, तारिक रोड जौहर का मंजर पेश करने लगा। सीवरेज के बोसीदा निजाम के बाद शहरियों की जिंदगियां आजाब बन गई। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। नाजिर है शहर ओलिया की अहम शाहराओं में शुमार होने वाले तारिक रोड के, जिसने शहरियों की जिंदगी अजाब बना रखी है। अहले इलाका का कहना है कि सीवरेज के बोसीदा निजाम के 22 हफ्ते से मेन रोड जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है, मगर जिले इंतजामिया के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। माजी लोग गुजरते हैं यहाँ से, वो उनके कपड़े खराब हो जाते हैं,
छींटें उनको वो पड़ती हैं और हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे बाहर से गुजरते हैं उनसे परेशानी है हमें और स्मेल आती है बहुत बदबू आती है बहुत परेशानी है हमें शहरी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर है कहते हैं मेन रोड होने की वजह से तेज रफ्तार गाड़ियां नमाजियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं इन्होंने कहा कि कई बार जिले इंतजामिया को दरखास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो ये बड़ा मसला है हमारे लिए आने जाने की तंगी है गाड़ियां गुजरती हैं छींटे पड़ती हैं आने जाने के ऊपर जो गुजरता है तो ये मसला है हमारा तकरीबन हफ्ता ही हो गया शहरियों ने मेन रोड पर सीवरेज मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया है ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके शहर मुल्तान की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले तारिक रोड पर एक हफ्ते से खड़ा सीवरेज का पानी जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है कैमरामैन राणा बिलाल के साथ वसीम शहजाद मुल्तान वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार से एसोसिएशन ऑफ टीवी जर्नलिस्ट के नौ मुंतखब सदर अहमद बुजदार और जनरल सेक्रेटरी बिलाल खान न्याजी ने मुलाकात की नौ मुंतखब अहदेदारों ने सहाफियों को दरपेश मसाइल से वजीर आला पंजाब को आगाह किया वजीर आला ने कामयाबी पर प्रोग्रेसिव ग्रुप को मुबारकबाद भी दी वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार ने ATGM के नौ मुंतखब सदर अहमद बुजदार और जनरल सेक्रेटरी बिलाल खान न्याजी से सर्किट हाउस साहिवाल में मुलाकात की इस मौके पर वजीर आला पंजाब ने पूरे पैनल की जीत पर मुबारकबाद दी सदर ATGM अहमद बुस्तार ने वजीर आला पंजाब को सहाफियों के बुनियादी मसाइल से आगाह किया और सहाफी कॉलोनी फेस टू देने का मुतालबा किया वजीर आला पंजाब ने तरजीही बुनियादों पर सहाफियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई जनरल सेक्रेटरी बिलाल न्याजी ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार को मुल्तान में ATGM की हल्फ बरदारी में शिरकत की दावत दी सरदार उस्मान बुस्तार ने नौ मुंतखब अहदेदारों को मुलाकात में कहा कि सहाफी कम्युनिटी के बुनियादी मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है सहाफियों के मसाइल पर मुश्तमिल तफसीलात नौ मुंतखब अहदेदारों ने वजीर आला पंजाब को पेश की पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का एहसन इकदाम मेन निश्तर हॉस्टल में लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया मेडिकल के तलबा अब जदीद लाइब्रेरी से मुस्तफीद हो सकेंगे वसीम शहजाद रिपोर्ट करेंगे इफ्तिताह सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मसूद हराज ने किया इफ्तिताह के मौके पर डॉक्टर राना खावर लतीफ प्रोफेसर डॉक्टर मंजर अली डॉक्टर मुर्तजा बलोच डॉक्टर जुलकरनैन हैदर डॉक्टर शेख अब्दुल खालिक और डॉक्टर अमजद बारी समेत दीगर शोबा तिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की डॉक्टर मसूद हराज का कहना था कि एक माह कबल अलामा इकबाल हाल के दौरे के दौरान यहाँ लाइब्रेरी बनाने का इरादा किया था कि पूरी जो खर्चा है इस लाइब्रेरी का और जो फंडिंग है वो सारी PMA मुल्तान ने की है और ये उनके लिए गिफ्ट है हमारे उन बच्चों के लिए जिनके पास ना बैठने के लिए कोई चीज़ है प्रॉपर ना खाने के लिए कोई मेस चल रहा है यहाँ पे इस मौके पर तलबा का कहना था कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मशकूर हैं जिनकी काविशों से लाइब्रेरी जैसा तोहफा मिला PM मुल्तान के सदर डॉक्टर मसूद हराज साहब की काविश से और तमाम कबीना मेम्बरान के तआवुन से हमारे डोनेशन बेस पे PM मुल्तान ने ये तोहफा दिया है स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को जो इकबाल लाल और दीगर हॉस्टल्स के रेजिडेंट्स हैं ताकि उनके जो पेपर्स आ रहे हैं एग्जाम्स आ रहे हैं जो अपनी पढ़ाई पुरसकून माहौल में कर सकें यहाँ कचरे का ढेर था यहाँ गंदगी थी हराज साहब और PM मुल्तान ने इसका नोटिस लिया और एक महीने के अंदर अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी बनाई नश्तर हॉस्टल के अलावा इकबाल हाल में बनने वाली लाइब्रेरी में 50 लोगों की बैठने की जगह जबकि जदीद अलूम से लीज किताबों का वैसी जखीरा मौजूद है एक खास अरसे से नश्तर हॉस्टल में मौजूद इलामा इकबाल हाल में लाइब्रेरी मौजूद न होने के बाइस तालिबे इल्मों को मुश्किलात का सामना था लेकिन लाइब्रेरी के बनने के बाद तालिबे इल्मों में खुशी की लहर दौड़ गई है कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद मुल्तान जामपुर के शहरियों और स्पोर्ट्स से वाबस्ता नौजवानों के लिए अच्छी खबर है वजीर आला पंजाब के हुक्म पर DG स्पोर्ट्स ने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में फिटनेस बरकरार रखने के लिए जदीद मशीनरी फराहम कर दी जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए जामपुर के शहरियों और स्पोर्ट्स से वाबस्ता नौजवानों के लिए अच्छी खबर है वजीर आला पंजाब के हुक्म पर DG स्पोर्ट्स ने स्पोर्ट्स जिमनेजियम में फिटनेस बरकरार रखने के लिए जदीद मशीनरी फराहम कर दी असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलिक फारूक अहमद ने स्पोर्ट्स जिमनेजियम में जदीद मशीनरी से आरास्ता जिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि फिटनेस के लिए नौजवानों को इसकी मेंबरशिप लेनी चाहिए फिटनेस रिलेटेड ऑपरेटर्स है वो यहाँ पे नया मंगवाया गया और वो यहाँ पे फंक्शनल भी है तो मैं जामपुर के नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि वो यहाँ पे आए यहाँ की जो मेंबरशिप है यहाँ पे मेंबरशिप लें
तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर उस्मान गनी ने बताया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक डीजी स्पोर्ट्स अदनान अरशद दौलत ने जामपुर की आवाम को ये तोहफा दिया है। ये हर स्पोर्ट्स में हर खिलाड़ी और हर एज के बंदे के लिए ये जो जिम अवेलेबल है, इसमें हर किस्म का बंदा आके फिटनेस कर सकता है, क्योंकि ये ज्यादातर जनरल फिटनेस और स्पोर्ट्स के अपकमिंग प्लेयर्स के लिए ये जिम किया गया है। जिम ज्वाइन करने वाले नौजवानों का कहना था कि पहले सहूलियात ना होने से जिम का शौक नहीं था। जिम में मशीनरी फ्राहम करने पर हम वज़ीर-ए-आला के शुक्रगुजार हैं। मैं तमाम स्पोर्ट्स और वज़ीर-ए-आला साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें जामपुर में ये जिम अता की है, जिनके ये मशीनरी वगैरह यहाँ पे पहले नहीं थी। पहले जिम काफी अरसे से बंद थी, जहाँ से बंदे आते थे और चले जाते थे। जिस्मानी फिटनेस बरकरार रखने के लिए शहरियों और स्पोर्ट्स से वाबस्ता जिम ज्वाइन करके जहां तंदुरुस्त और सेहतमंद रह सकते हैं, वहीं इससे गैर जरूरी सरगर्मियों से भी बचा जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा जावेद इकबाल, जामपुर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान का चौकीदार असकर अली सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम, लेकिन जिस्म फौलादी। असकर अली ने 6 टाइटल भी अपने नाम किए। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। असकर अली डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डेली वेजिस पर चौकीदार है, जो सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है लेकिन फौलादी जिस्म का मालिक है। असकर अली ने 12 साल मेहनत की और पंजाब लेवल पर अपना लोहा मनवाया। 6 टाइटल है जिनमें मुल्तान पंजाब लेवल भी है, मुल्तान लेवल भी है और एजाजिया मिस्टर मुल्तान भी है। इसके अलावा स्पेशल पर्सन हमारे यूथ फेस्टिवल, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, उसमें भी इसने भरपूर हिस्सा लेके मेडल हासिल किया है और इसने मुल्तान का नाम रोशन किया है। ट्रांसलेटर मोहम्मद रऊफ का कहना था कि असगर अली ने 6 टाइटल भी अपने नाम किए। मिस्टर पंजाब में सिल्वर मेडल, जबकि 2019 में मिस्टर मुल्तान भी रह चुके हैं। स्पेशल पर्सन मिस्टर मुल्तान का टाइटल भी अपने नाम किया। ये चाह रहे हैं कि ये लाहौर में भी ये अपनी पोजीशन लें और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना चाह रहे हैं और नेशनल लेवल पर भी जाना चाह रहे हैं। असगर अली ने मुतालबा किया कि हुकूमत इमदाद करे तो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मुल्क कौम का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ये स्पेशल पर्सन हमारे मुल्क कौम का कीमती सरमाया है, जिन्हें हुकूमत की तवज्जो की अशद जरूरत है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मकसूद चौहान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में मोबाइल टावर पर फंसी बिल्ली को रेस्क्यू अहलकारों ने आजाद करा दिया। बिल्ली 4 घंटे तक टावर पर फंसी रही। यासिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में बिल्ली की शामत, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत सच हो गई। अमीराबाद में पालतू बिल्ली कुत्ते से डरकर खंबे पर चढ़ी मगर नीचे न उतर सकी। पालतू बिल्ली खंबे पर जाली में फंस गई। हजार कोशिश के बावजूद बिल्ली नीचे न उतर सकी। अहले इलाका ने रेस्क्यू को इतला दी तो रेस्क्यू जवान बिल्ली की मदद को पहुँचे। 120 फुट ऊंचे खंबे पर चढ़कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू स्टिक से बिल्ली को जाली से आजाद कराया गया तो 4 घंटे से फंसी बिल्ली खुशी खुशी नीचे उतर आई और बिल्ली का मालिक नौमान भी खुश हो गया। लहिया में सरायकी वसीब की मशहूर डिश सोबत के चर्चे। रोटी, मुर्गी, बकरे और बटेर के गोश्त से तैयार होने वाली डिश हर किसी की पसंद बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों में मजे मजे के खाने जहां शहरों की दिलचस्पी का बायस बनते हैं, वहीं सरायकी खिते की रिवायती डिश सोबत लोगों की खास तवज्जो का मरकज बन गई। लहिया के शहरी सर्द रातों में सोबत खाने मुख्तलिफ होटलों का रुख करते हैं, जहाँ अपनी मन पसंद डिश से खूब लुत्फानंदोज होने के साथ दोस्तों के साथ खूब गपशप भी करते हैं। शहरियों का कहना है की सोबत इंतहाई लजीज डिश है, जिसको खाने दूर दूर से आते हैं। बेहतरीन लगती है शेख फिजा हुसैन की ये सोबत। मैं भट्टी नगर लहिया से आया हूँ, बेहतरीन है। हफ्ते में तकरीबन 3 मरतबा हम आते हैं, ये सोबत खाते हैं और बेहतरीन खाना होता है सोबत। लहिया की ये खसूसियात है कि बेहतरीन डिश है, इसे सोबत बेहतरीन है हमारे लिए, तो ये खाना बेहतरीन। बहुत प्यारी सोबत है माशाल्लाह, शेख फिजा हुसैन के ये अच्छी सोबत बनाते हैं माशाल्लाह। इसमें चिकन भी होता है, बीफ भी होता है माशाल्लाह, बहुत प्यारी सोबत बनाते हैं, हमें बहुत पसंद है, हम बड़े शौक से खाने आते हैं। सोबत मुख्तलिफ अज़ा से तैयार की जाती है, जिसमें रोटी और सालन के साथ मुख्तलिफ मिसाला जार डालकर इसको मजीद मजेदार बनाकर गाहकों को पेश किया जाता है। शोरबा पहने उनके बीच जड़ा ना रोटियाँ भोर के पहने उन्हें पुसेने उजड़े पकवे दिए पीछे तैयार थी वे दिए जी हाँ बड़ी दूर दूर तो आने बंदे। सोबत को मुर्गी, बकरा, बटेर के गोश्त से तैयार किया जाता है, जिसको शहरी खूब पसंद करते हैं। सरायकी खित्ते की मशहूर डिश सोबत जहाँ खाने में इंतहाई लजीज होती है, वहीं बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का भी जरिया बनती है। कैमरा टीम के साथ जहेद सरफराज, लिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए रोही।